YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर जो कि ब्रेकआउट दिया। देखिए, ब्रेकआउट वाले शेयर इसलिए बताते हैं क्योंकि यहां से जो तेजी देखने मिलेगा वो हो सकता है फिर वापस उस प्राइस पे वो स्टॉक्स ना मिले। तो ये स्टॉक्स है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, काफी बेहतरीन स्टॉक्स है और एक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक्स है। आगे भी पोटेंशियल है इस स्टॉक में कि आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। अब देखिए, ये स्टॉक्स जो है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस को भी काफी जबरदस्त तरीके से निकाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। देखिए, वॉल्यूम सपोर्टेड है काफी अच्छा रहता है कि यहाँ पर वॉल्यूम पहले ही देखने मिला था। यहाँ हो सकता है यह स्टॉक फिर से इस लेवल को रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद फिर से रैली दिखाए। तो इस स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो काफी जबरदस्त है। तो यहाँ पर पीछे चले तो देखिए काफी जबरदस्त स्टॉक रहा है और काफी ज्यादा ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स है। यहाँ पर यह ब्रेकआउट अगर रीटेस्ट करता है तो रीटेस्ट करने के बाद जैसे फिर से बाउंस बैक होता है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और काफी जबरदस्त स्टॉक है। चलिए इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं, क्या फंडामेंटल स्टॉक्स का हमें सजेस्ट करता है इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट बाद हो सकता है इस स्टॉक में फिर से ये लेवल हमें देखने ना मिले, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद अगर रैली होता है तो पहला जो यहाँ पर टारगेट आपको निकल के आएगा वो होगा 2700 और वहां से अगर ऊपर निकलता है तो फिर ये स्टॉक चलता ही रहेगा। तो इसलिए अगर ये स्टॉक्स फिर से वापस इस लेवल पे नहीं मिलता है तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो इसके लिए फंडामेंटल्स को जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक का। अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस का, मार्केट कैप 29,000 करोड़ का है और डिविडेंड मात्र 0.95% है। और यहाँ पर बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 35% से ज्यादा है। और बात करें प्रमोटर होल्डिंग 48.8%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी काफी कम है 0.01, मतलब निग्लिजिबल डेट है, कोई डेट है ही नहीं कंपनी के ऊपर। मात्र 26.6 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, जबकि रिजर्व 3,144 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 1,108 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का काफी जबरदस्त है। और ये कंपनी करती क्या है, प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है कंपनी इंडिया में और काफी बेहतरीन मतलब कंपनी है, 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखता है, क्योंकि 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसमें ये पाइपिंग सिस्टम, क्रॉस लेमिनेटेड फिल्म प्रोडक्ट, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल मॉड्यूलेटेड कंपोनेंट्स, मॉड्यूलेटेड फर्नीचर, स्टोरेज एंड मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस पैकेजिंग फिल्म्स एंड कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर्स, ये सारे प्रोडक्ट की कंपनी बनाती है। वही बात करें कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ का, तो यहाँ पर सेल्स देखिए 2010 में मात्र 2000 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 21 में 6300 करोड़ का। और बात करें नेट प्रॉफिट का, 156 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2010 में, जो कि बढ़ के हो गया 978 करोड़ का। इस तरह से देखते हैं नेट प्रॉफिट में काफी जबरदस्त जंप है और कंपनी के सेल्स में भी काफी जबरदस्त जंप है। हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन कर रही है। और वहीं बात करें सेल्स ग्रोथ का, 12% का सेल्स ग्रोथ है 10 इयर्स में, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 20%, जबकि यहां पर देखिए स्टॉक प्राइस 29% सीएजीआर के साथ रिटर्न दिया है। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफी सॉलिड है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात करें यहीं पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो देखिए 2010 में 146 करोड़ का कैश था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जो कि लगातार बढ़ा है, लगातार बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 2021 में हो चुका है 1,246 करोड़ का। तो कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी काफी जबरदस्त रहा है। अब देखिए इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टर जो है पिछले एक साल में लगभग 1% के आसपास यहाँ पर अपना स्टेक डिक्रीज किया है प्रमोटर। तो प्रमोटर का स्टेक थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, FIs का स्टेक लगातार इंक्रीज हुआ है, DIs का स्टेक भी इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर पब्लिक का होल्डिंग काफी डिक्रीज हुआ है 21% से मात्र 15%। मतलब जैसे जैसे कंपनी अपने आप को दिखा रही है, हम कंपनी काफी बेहतरीन है, कंपनी खुद को दिखा रही है कंपनी काफी बेहतरीन है, और वैसे वैसे पब्लिक का स्टेक घट रहा है। जबकि ऐसे अच्छे स्टॉक्स में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म में काफी जबरदस्त रिटर्न देने वाला ये स्टॉक्स है। तो ये एक ऐसा स्टॉक्स है जिसमें ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के अगर यहाँ रिटेस्ट होता है तो आप एंट्री ले सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, इस तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।